नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीदास जी कृत कवितावली के उत्तरकांड की श्रृंखला में आज के इस तीसरे वीडियो में हम 46वें छंद से आगे के छंदों की चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, 46वां छंद है कि कृषि गात ललाते जो रोटिन को घर बात घरे खुरपा खरिया तिन सोने के मेरु से ढेर लहे मनु तोन भरो घर पे भरिया तुलसी दुख दूनो दशा दूह देखी कियो मुख दर्द को करिया तजिया से बोदास रघुपति को दशरथ को दान दया दरिया। तो कृषगात अर्थात दुर्बल शरीर, घरवात अर्थात घर की संपत्ति, खरिया घास बांधने की जाली, करिया अर्थात काला, दरिया अर्थात समुद्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुर्बल शरीर वाले रोटियों के लिए तरस रहे थे, जिनके घर की संपत्ति खुरपा और घास बांधने की जाली मात्र थी, उन्हें यदि सोने का पहाड़ मिल गया जिससे उनका घर तो भर गया परंतु मन नहीं भरा, अर्थात उन्हें संतोष नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों दशाओं में दुख ही दुख देखकर मैंने दरिद्रता का मुंह काला कर दिया और सब आशाओं को छोड़कर मैं दशरथ के दानी पुत्र दया के समुद्र श्री राम जी का दास बन गया। 47वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि को भरी है हरि कीर्ति एरित वे पुनि को हरि जो भरी है उथपे ते ही को जे ही राम थपे तपी है ते ही को हरि जो टरी है तुलसी यह जान ही है अपने सपने नहीं काल होते डरी है कुमया कछुहान न औरन की जो पे जान की नाथ मया करी है। मित्रों, रीति अर्थात खाली करने पर उत्पे अर्थात उखाड़ सकता है, थपे अर्थात स्थापित करते हैं, कुमया अर्थात क्रोध, मया अर्थात कृपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे राम जी खाली कर दे उसे कौन भर सकता है और जिसे राम जी भर दे उसे कौन खाली कर सकता है। राम जी के बचाए हुए को कौन उजाड़ सकता है और उनके उजाड़े हुए को कौन बसा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हृदय में यह जानकर स्वप्न में भी मैं काल से नहीं डरूंगा, यदि रामचंद्र जी कृपा करेंगे तो औरों के क्रोध करने से कोई हानि नहीं। 48वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्याल कराल महाविश पावक मत गयंद हुके रद तोरे सांसति संग चली डर पे हुते किंकर ते करनी मुख मोरे नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राखी है राम तुम्हारी है कोरे। मित्रों, ब्याल अर्थात सर्प, रद अर्थात दांत, संकी सशंकित होकर, हुते अर्थात थे, केहरी सिंह यहाँ नृसिंह भगवान के लिए आया है, को अर्थात कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए भयंकर सांप भेजे लेकिन वे भाग गए, हलाहल विष भेजा किंतु वह अमृत हो गया, अग्नि भेजी परंतु वह शीतल हो गई, मत हाथियों को भेजा किंतु परमात्मा ने उनके भी दांत तोड़ दिए, कष्ट भी डर कर भाग गया, भयभीत हुए सेवकों ने हिरण्यकश्यपु का काम करने से मुंह मोड़ लिया किंतु प्रहलाद को जरा भी कष्ट नहीं हुआ, इसके कारण केवल नृसिंह भगवान थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि तू किसका भय करता है, यदि रामचंद्र जी रक्षा करेंगे तो मारने वाला कौन है। 49वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा जिनकी कछु काज नहीं ना अकाज कछु जिनके मुख मोरे करें तिन की परवाहिते जो बिनु पूछ विशान फिरे दिन दोरे तुलसी जे ही के रघुनाथ से नाथ समर्थ सुसेवत रिझत थोरे कहा भव भीर परिते ही दो बिचरे धरनी तिन सो तिन तोरे। मित्रों, अकाज अर्थात हानि, विशान अर्थात सींग, तिन तोरे अर्थात तृण तोड़कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा होने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और न जिनके मुख मोड़ने से कोई हानि ही होती है, उनकी वे ही लोग परवाह कर सकते हैं जो बिना सिंह पूंछ के पशु की तरह इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़ी ही सेवा से प्रसन्न होने वाले राम जी जिनके स्वामी है उन पर सांसारिक कष्ट किस प्रकार आ सकते हैं, वे तो सांसारिक कष्टों से नाता तोड़कर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करते हैं। 50वें छंद में तुलसी कहते हैं
कि कानन भूदर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि फेरे संकट कोटि जहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु ननेरे। राखी है राम कृपाल तहां हनुमान से सेवक है जेही केरे। नाग रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां कानन अर्थात वन, भूदर अर्थात पहाड़, वारी अर्थात जल, बयारी अर्थात हवा, महाविष अर्थात हलाहल विष, व्याधि अर्थात रोग, दवा अर्थात दावाग्नि और शत्रुओं से घिरे हुए करोड़ों संकट हो और माता पिता हितैषी मित्र और भाई कोई भी पास ना हो, वहां मेरी रक्षा कृपालु श्री रामचंद्र जी करेंगे जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं। स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर केवल राम जी ही मेरे सहायक हैं। 51वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जम राज रजाय सुते मोहि ले चली है भट बांधी नटैया, तात न मात न स्वामी सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारत आरत कौन सुने चहु और डटैया, एक कृपालु तहां तुलसी दशरथ को नंदन बंदी कटैया। मित्रों, रजायसु अर्थात आज्ञा, नटैया अर्थात गर्दन, आरत अर्थात दीन दुखी, कटैया अर्थात फटकारने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब यम की आज्ञा से उनके दूत मेरी गर्दन पकड़कर ले चलेंगे, तब उस संकट में हाथ बटाने वाला पिता, माता, स्वामी, पुत्र या भाई कोई नहीं होगा। घोर संकट से दुखी होकर चिल्लाने पर मेरी दुख भरी आवाज पर कौन ध्यान देगा, चारों ओर फटकारने वाले ही रहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस कष्ट के बंधन को काटने वाले दशरथ के पुत्र कृपालु श्री रामचंद्र जी ही हैं। 52वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि जहां जम जात न घोर नदी भट कोटि जलचर दंत टिवैया, जह धार भयंकर बार न पार न बोहित नावन नीक खेवैया, तुलसी जह मातु पिता न सखा नहीं को कहूं अवलंब देवैया, तहां बिनु कारण राम कृपालु विशाल भुजा गही काढ़ी लेवैया। टिवैया अर्थात टेने वाले अर्थात तेज करने वाले, बोहित अर्थात जहाज, गही अर्थात पकड़कर। मित्र तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां यमराज के करोड़ों दूत कष्ट पहुंचाने वाले हैं, जहां तेज दांत वाले जल जंतुओं से भरी हुई वैतरणी नदी है जिसकी भयंकर धारा का आर पार नहीं है, न जहाज है, न नौका है और न अच्छा खेने वाला ही है, जहां माता पिता मित्र कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, वहां बिना कारण ही अपनी लंबी भुजाओं से पकड़कर निकाल लेने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी ही हैं। 53वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां हित स्वामिन संग सखा बनिता सुत बंधुन बापू न मैया, काय गिरा मन के जन के अपराध सबे छल छांडी छमैया, तुलसी ते ही काल कृपालु बिना दुजो कौन है दारुन दुख दमैया, जहां सब संकट दुर्घट सोच तहां मेरो साहिब राखे रमैया। मित्रों, बनिता अर्थात स्त्री, काय शरीर, गिरा वाणी, छमैया क्षमा करने वाला, दमैया दमन करने वाला, रमैया रमने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां हित करने वाला स्वामी, साथ का मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, बाप, माँ कोई नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां भक्तों के मन वचन कर्म से किए हुए अपराधों को छल छोड़कर क्षमा करने वाला और कठिन दुख को दूर करने वाला कृपालु श्री राम जी के सिवा दूसरा कौन है। जहां पर संकट ही संकट और सोच ही सोच है, वहां पर मेरे स्वामी श्री राम जी रक्षा करने वाले। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तापस गोबर दायक देव सबे पुनि बैर बढ़ावत बाढ़े, थोरे ही कोप कृपा पुनि थोरे ही बैठी के जोरत तोरत ठाढ़े, ढोकी बजाई लखे गजराज कहां लो कहो के ही सोरद काढ़े, आरत के हित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाढ़े। मित्रों, बाढ़े अर्थात बढ़ने पर, रद काढ़े अर्थात दांत निकालना या विनती करना, दिन गाढ़े अर्थात बुरे समय में। तुलसीदास जी कहते हैं
कि देवता गण तपस्वियों को वर देने वाले हैं और फिर उनकी उन्नति होने पर उनसे शत्रुता करने लगते हैं। थोड़े में ही क्रोध करते हैं और फिर थोड़े में ही कृपा करते हैं। वे क्षण भर में ही प्रीति जोड़ते हैं और दूसरे ही क्षण उसे तोड़ देते हैं। गजराज ने ठोक ठाक कर अर्थात भली भांति परीक्षा करके देवताओं को देख लिया। कहां तक कहूं, उसने किसके सामने दांत नहीं निकाला, किसकी विनती नहीं की। दुखियों के हितैषी तथा अनाथों के नाथ और दुर्दिन पड़ने पर सच्चे सहायक केवल एक राम जी ही हैं। 55वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे मुन सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरे निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तपसानल में जुग पुंज जरे मन सौपन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। मित्र मख अर्थात यज्ञ, निगमागम अर्थात वेद शास्त्र, पुंज अर्थात समूह, पनरोपी अर्थात प्रण करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई जप योग वैराग्य महायज्ञ की साधना दान दया इंद्रिय दमन आदि करोड़ों उपाय करे और मुनि सिद्ध इंद्र गणेश शिव जैसे देवताओं की सेवा करते करते अनेकों जन्म बिता दे, वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ले, पुराणों को पढ़ डाले और अनेकों युग तपस्या की आग में जलता रहे, किंतु तुलसीदास जी अपने मन से प्रतिज्ञा करके अर्थात जोर देकर कहते हैं कि श्री राम जी के बिना दुखों को हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। मित्रों, इस छंद में योग और दम की चर्चा की गई है। योग से तात्पर्य अष्टांग योग से है, जिसमें यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि आते हैं। वहीं दम षट संपत्ति को कहते हैं, जिसमें सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान आते हैं। सम अर्थात वासना त्याग, दम अर्थात इंद्रिय विषयों को रोकना, उपरति अर्थात विषयों से पीठ देना, तितिक्षा अर्थात शीत उष्ण को सहना, श्रद्धा अर्थात गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास और समाधान अर्थात एकाग्रचित होना। अगले छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि पातक पीन कुदारित दीन मलिन धरे कथरी करवा है लोक कहे विधि हुन लिखो सपने हु नहीं अपने बरबाहे राम सो किंकर सो तुलसी समुझे ही भलो कही बोन रबा है ऐसे को ऐसो भयो कब हुन भजे बिन बानर के चरवाहे। मित्रों, पीन अर्थात मोटा या पुष्ट, करवा अर्थात मिट्टी का बर्तन, रवा अर्थात उचित। तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्यंत पापी दरिद्रता से दीन मैला कुचैला फटे पुराने कपड़े और मिट्टी का बर्तन धारण किए हुए आदमी को देखकर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने भी इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा, इसकी भुजाओं में स्वप्न में भी बल नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य भी यदि राम जी के दास हो जाएं तो उनकी दशा समझने योग्य हो जाएगी, इसे कहने की जरूरत नहीं है। बंदरों को भी सन्मार्ग पर लाने वाले राम जी के भजन के सिवा ऐसे अभागे कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते। 57वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मातृ पिता जग जाए तजो विधि हुन लिखी कछु भाल भलाई नीच निरादर भाजन कादर कुकर टूकन लागी ललाई राम सुभाव सुनो तुलसी प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई स्वार्थ को पर मारथ को रघुनाथ सो साहब कोरी न लाई। मित्र जाए अर्थात उत्पन्न होकर, लागी अर्थात वास्ते या के लिए, बारक अर्थात एक बार, खोरी अर्थात दोष। तुलसीदास जी स्वयं के लिए कहते हैं कि माता पिता ने मुझे संसार में उत्पन्न करके छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने भी मेरे ललाट में कोई अच्छी बात नहीं लिखी, मैं नीच निरादर का पात्र तथा कायर था और कुत्तों के टुकड़े के लिए भी चारों ओर ललाता फिरता था, किंतु जब मैंने राम जी का स्वभाव सुना तब उनसे एक बार पेट खोलकर अपना दुख कहा। राम जी के समान स्वामी ने लौकिक और पारलौकिक सुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं की। 58वें छंद में तुलसी कहते हैं
कि पाप हरे परिताप हरे तन पूजी बोही तल शीतल ताही हंस कियो बकते बलि जाऊं कहां लो कहो करुणा अधिकाई काल बिलोक कहे तुलसी मन में प्रभु की प्रतीति अघाई जन्म जहां तहरावर सौन बहे भरी देह स्नेह सगाई। मित्रों परिताप अर्थात दुख, शीतल अर्थात हृदय तल, भरी देह अर्थात जिंदगी भर और सगाई अर्थात संबंध। तुलसी कहते हैं कि हे राम जी आपने मेरे पापों और दुखों को हर लिया जिससे मेरा शरीर पूज्य हो गया और हृदय शीतल हो गया। आपने मुझे बगुले से हंस बना दिया। हे बलिहारी आपकी करुणा को मैं अधिक कहां तक कहूं। मैं अपने समय का उलटफेर देखकर यह कहता हूं कि मेरा प्रभु जी पर पूरा विश्वास है। बस अब तो मेरी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है कि मेरा जहां कहीं भी जन्म हो जन्म भर आपके साथ स्नेह संबंध निभता रहे। 59वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि लोग कहें अरु होहुं कहो जन खोटो करो रघुनायक ही को रावरी राम बड़ी लघुता जसु मेरो भयो सुखदायक ही को के यह हान सहो बल जाऊं कि मुंह करो निज लायक ही को हान ही ए हित जान करो जो हो ध्यान धरो धनु सायक ही को। मित्रों हो हूं अर्थात मैं भी, खोटो खरो अर्थात बुरा भला, ही अर्थात हृदय, कह याद। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग कहते हैं और मैं भी यह कहता हूं कि मैं भला बुरा जैसा भी हूं राम जी का ही सेवक हूं। हे राम जी इसमें आपकी बड़ी बदनामी है किंतु आपका सेवक होने का मेरा यश मेरे हृदय को सुख देने वाला है। मैं बलि जाता हूं, या तो आप इस बदनामी को सहन कीजिए या मुझे अपना योग्य सेवक बनाइए। अपने हृदय में यह विचार कर और मेरा भला जानकर ऐसा कीजिए जिससे मैं आपके धनुषधारी रूप का ध्यान कर सकूं। 60वें छंद में तुलसी कहते हैं कि आप हो आप को नीक के जानत रावरो राम भरायो गढ़ायो कीर जो नाम रटे तुलसी सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो सोई है खेद जो वेद कहे न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो हो तो सदा खर को असवार तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो। तुलसी कहते हैं कि मैं अपने को स्वयं ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आप ही का बनाया हुआ हूँ। संसार यह कहता है कि तोते की तरह तुलसीदास जो राम नाम रटा करता है वह राम जी का ही पढ़ाया हुआ है किंतु इसके हृदय में राम जी के प्रति प्रेम नहीं है। मुझे इसी बात का खेद है। वेद कहता है कि राम जी जिसको बढ़ाते हैं वह कभी घटता नहीं। मैं तो सदा से गधे पर चढ़ने वाला था, आप ही के नाम ने मुझे हाथी पर चढ़ाया अर्थात प्रतिष्ठित बनाया। मित्रों 61वां छंद कवित्त छंद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि छारते सवारी के पहार हुते भारी कियो गारो भयो पंच में पुनीत पच्छु पाई के हो तो जैसो तब तैसो अब अधमाई के पेटू भरो राम राव रोई गुनु गाई के आपने निवाजे की पे की चला जो महाराज मेरी और हेरी के न बैठिए रिसाई के पाली के कृपाल गाल बाल को न मारिए ओ काटिए न नाथ पिसे हुको रखु लाई के। तो छार अर्थात धूल, गारो अर्थात वजनदार अथवा गौरव, व्यालपाल अर्थात सांप का बच्चा। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी आपने मुझे धूल के समान तुच्छ को संवार कर पहाड़ से भी भारी बना दिया। मैं आपका पवित्र पक्ष पाकर पंचों में वजनदार हो गया। मैं तो जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूँ और नीचता करते रहने पर भी आपका गुण गा गा कर अपना पेट भरता फिरता हूँ। हे महाराज किंतु आप तो अपने कृपालु स्वभाव की लज्जा रखिए, मेरी नीचता की ओर देखकर क्रुद्ध होकर ना बैठ जाइए। हे कृपालुनाथ सांप के बच्चे को पालकर नहीं मारना चाहिए और विष का पेड़ लगाकर उसे भी नहीं काटना चाहिए। 62वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद न पुराण गानो जानो न विज्ञान ज्ञानो ध्यान धारणा समाधि साधन प्रवीणता नाहीन विराग जोग जाग भाग तुलसी के दया दीन दुब रोहो पाप ही की पीनता लोभ मोह काम कोह दोष कोश मोसो कौन कलिहू जो सीखी लई मेरी ये मलिनता एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हो रावरे दयालु दीन बंधु मेरी दीनता। मित्र पीनता अर्थात पुष्टता,
कोह अर्थात क्रोध, कोष खजाना या भंडार, दीनता अर्थात गरीब। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, न तो मैं वेद और पुराणों को पढ़ना ही जानता हूं, न मुझे विज्ञान का ही ज्ञान है। ध्यान धारणा और समाधि आदि साधनों में भी मैं निपुण नहीं हूं। मेरे भाग्य में वैराग्य योग और यज्ञ करना भी नहीं लिखा है। दया तथा दान में भी मैं दुर्बल हूं। केवल पाप की ही पुष्टि है अर्थात पाप खूब किया है। मेरे समान काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों का भंडार कौन है? कलयुग ने भी मुझसे ही पाप करना सीखा है। हे राम, मुझे बस एक ही भरोसा है कि मैं आपका कहलाता हूँ। आप दयालु हैं, दीनों के बंधु हैं, इसलिए मेरी दीनता पर अवश्य ध्यान देंगे। 63वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि राव रो कहाऊ गुण गाऊ राम राव रोई, रोटी त्वे हो पाऊ राम रावरी ही कानी हो, जानत जहान मन मेरे हुकुमान बड़ो, मानो मैं दूसरो न मानत न मानी हो, पांच की प्रतीति न भरोसो मोही अपनोई, तुम अपनायो हो तबे ही परिजानी हो, गड़ी गुड़ी छोली छाली कुंद की सिपाही बते, जैसे मुख कहो तैसे जिए जब आनी हो। मित्रों, कहानी अर्थात लज्जा, जहान अर्थात दुनिया, गुमान घमंड, पांच अर्थात पंचदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और सूर्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रामचंद्र, मैं आपका कहलाता हूँ और आप ही का गुण गाता हूँ। आपकी ही लज्जा से मैं दो रोटियां भी पाता हूँ। इस बात को संसार जानता है और मेरे मन में भी इस बात का बड़ा घमंड है कि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी को भी न माना, न मानता हूँ और न मानूंगा। मुझे पंचदेवों पर विश्वास नहीं है, केवल आप ही का भरोसा है। किंतु आपने मुझे अपना लिया, यह मैं तभी समझूंगा जब गड़ गुड़ कर तथा छोल छाल कर कुंत के समान स्वच्छ बातें जैसी कि मैं मुख से कहा करता हूँ मेरे हृदय में आप ला देंगे। 64वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि बचन विकार कर तब उखवार मनु, बिगत विचार काली मल को निधानु है, राम को कहाई नाम बेची बेची खाई, सेवा संगति न जाई पाची लर को उखानु है, तेहु तुलसी को लोग भलो भलो कहे ताको दूसरो नहे तू एक नीके के निदानु है, लोक रीति विदित बिलोकियत जहां तहां, स्वामी के स्नेह स्वानहु को सन मानु है। मित्रों, खुआर या ख्वार अर्थात खराब, कलिमल कली के पाप, उपखानु अर्थात कहावत, निदानु कारण, स्वान कुत्ता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मन में विकार हैं, कर्म बुरे हैं और मन विचार रहित तथा कलयुग के पापों से भरा हुआ है, जो राम का दास कहलाता है और राम जी का ही नाम बेचकर खाता है, किंतु सत्संग या सेवा कार्य के निकट पिछली कहावत के अनुसार नहीं जाता, उस तुलसी को भी लोग बहुत अच्छा कहते हैं। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, इसका निश्चित कारण यही है, संसार में यह रीति प्रसिद्ध है और जहां तक देखने में भी आती है कि कुत्ते का भी सम्मान स्वामी के स्नेह रखने पर ही होता है। मित्रों, 65वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि स्वार्थ को साज न समाज पर मारथ को, मोसो दगा बाज दूसरो न जग जाल है, के न आयो करो न करो को कर तूती भली, लिखी न बिरंची हु भलाई भूली भाल है, रावरी सपथ राम नाम ही की गति मेरे, यहाँ झूठो झूठो सोती लोकती हूँ काल है, तुलसी को भलो पे तुम्हारे ही किए कृपालो, की जिन भी लंब बलि पानी भरी खाल है। मतलब स्वार्थ को साज अर्थात सांसारिक सुख के समान, भाल अर्थात ललाट, गति अर्थात पहुंच या भरोसा, पानी भरी खाल अर्थात पानी से भरी हुई मसक या नश्वर शरीर। तुलसी कहते हैं कि मेरे पास न तो सांसारिक सुख के सामान है और न परमार्थ के साधन ही है, इस भवजाल में मुझ जैसा धोखेबाज कोई दूसरा नहीं है, न तो मैंने पहले ही अच्छे कर्म किए हैं, न इस समय कर रहा हूं और न भविष्य में करूंगा, ब्रह्मा ने भी भूलकर मेरे ललाट में भलाई करना नहीं लिखा है। हे राम जी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि मुझे तो बस आपके नाम का ही भरोसा है, क्योंकि यहाँ जो झूठा है वह तीन लोक और तीनों काल में झूठा है, उसका विश्वास कोई नहीं कर सकता। हे कृपालु, तुलसीदास का भला तो आप ही के करने पर होगा, आप देर न कीजिए,
बलि जाता हूँ। यह शरीर पानी से भरी हुई खाल के समान है जो सड़कर नष्ट हो जाने वाला है। मित्रों, स्वार्थ को साज अर्थात सांसारिक सुख के सामान कहकर तुलसीदास जी सांसारिक सुखों के अंगों की चर्चा करते हैं। सांसारिक सुख के 8 अंग हैं: सुगंधम वनिता वस्त्रम, गीतम तांबूल भोजनम, भूषणम वाहनम चेति भाग्याश्चक मुदिर इतम। अर्थात सुगंध, सुंदर स्त्री, सुंदर वस्त्र, गाना बजाना, पान, उत्तम भोजन, आभूषण और गज रथ आदि वाहन, ये 8 सौभाग्य के चिन्ह हैं। और परमार्थ को समाज कहकर तुलसीदास परमार्थ के साधनों की ओर इशारा करते हैं। मित्रों, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, योग, वैराग्य, शांति और संतोष, ये परमार्थ के साधन कहे गए हैं। 66वें छंद में तुलसीदास कहते हैं कि राग को न साजु न विराग जोग जाम जिए, काया नहीं छाड़ी देते ठाटी बोको ठाट को, मनोराज करत अकाज भयो आज लगी, चाहे चारु चीर पे लहे न टूक टाट को, भयो कर तार बड़े कोर को कृपालु पायो, नाम प्रेम पारस हो लाल जी बराट को, तुलसी बनी है राम राव ने बनाए ना तो, धोबी के सो कुकर न घर को न घाट को। मित्रों, राग अर्थात लौकिक सुख, साज अर्थात सामान, चारु अर्थात सुंदर, बराट अर्थात कौड़ी। तुलसी कहते हैं कि मेरे पास ना तो सांसारिक सुख के साधन हैं और ना पारलौकिक सुख के साधन, वैराग्य, योग, यज्ञ आदि ही हृदय में है। यह शरीर बुरे ठाटों से ठटना भी नहीं छोड़ता, अब तक मनोराज्य करते अकाज ही हुआ है, क्योंकि मैं चाहता तो हूँ सुंदर वस्त्र, किंतु मिलता टाट का टुकड़ा भी नहीं। रामचंद्र जी मुझ जैसे भारी दुष्ट पर कृपालु हुए और मुझ कौड़ियों के लालची को राम नाम प्रेम रूपी पारस पत्थर मिला। हे रामचंद्र जी, आप ही के बनाने से मेरी सब बिगड़ी बन गई है, नहीं तो धोबी के कुत्ते की तरह मैं न तो घर का ही हूँ और न घाट का। 67वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंचो मन ऊंची रुचि, भाग नीचो निपट ही, लोक रीति लायक न लंगर लबारु है, स्वार्थ अगम पर मारथ की कहा चली, पेट की कठिन जग जीव को जवारु है, चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीख, जानत न कूर कछु की सब कबारू है, तुलसी की बाजी राखी राम ही के नाम न तो, भेंट पितरन को न बूढ़ हूं मैं बारू है। मित्र, निबट अर्थात अत्यंत या बिल्कुल, लंगर अर्थात कुमारगी, लबारू झूठा, जबारू जवाल या बोझ, आकरी खान का काम, किसब अर्थात कारीगरी, कबारू अर्थात व्यवसाय या पेशा। तुलसी कहते हैं कि मन ऊंचा है, रुचि भी ऊंची है, किंतु भाग्य अत्यंत खोटा है, मैं कुमारगी और झूठा हूँ, इसलिए सांसारिक कर्मों के योग्य भी नहीं हूँ, मेरे लिए सांसारिक सुख पाना ही कठिन है, तो पारलौकिक सुख की कौन कहे, मेरे लिए पेट पालना ही कठिन हो रहा है, मैं संसार के लोगों के लिए भार हो रहा हूँ, ना तो मैं नौकरी कर सकता हूँ, न खान का काम कर सकता हूँ, न खेती का काम कर सकता हूँ, न व्यापार कर सकता हूँ और न भीख ही मांग सकता हूँ, मैं ऐसा क्रूर हूँ कि किसी तरह की कारीगरी या पेशा भी नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के नाम ने ही मेरी प्रतिष्ठा रखी है, नहीं तो पितरों को भेंट में देने के लिए मेरे सिर में बाल भी नहीं है। 68वें छंद में तुलसी कहते हैं कि अपत उतार अपकार को अगार जग, जाकी छाह छुए सहमत व्याघ बाघ को, पातक पुहू में पाली बेको सहसानन सो, कानन कपट को पयो दी अपराध को, तुलसी से बाम को भो दाहिनो दया निधान, सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साध को, राम नाम ललित ललाम कियो लाखनी को, बड़ो क्रूर कायर कपूत कोड़ी आध को। मित्रों, अपत अर्थात पतित, उतार अर्थात नीच, पुहूमि अर्थात पृथ्वी, सहसानन हजार मुख वाले शेषनाग जी, ललित अर्थात सुंदर, तुलसी कहते हैं कि जो पतित, नीच और बुराइयों का घर है, जिसकी परछाई छूने से हिंसा करने वाला व्याघ्र भी सहम जाता है, जो पाप रूपी पृथ्वी का पालन करने के लिए शेषनाग के समान है, जो कपट का वन है अर्थात महान कपटी है और अपराधों का समुद्र है, ऐसे तुलसीदास जैसे कुटिल पर दयालु श्री राम जी अनुकूल हुए, जिसे सुनकर सिद्ध
साधु और साधक भी सिहाते हैं कि हाय ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ। मुझ जैसे अत्यंत निर्दय कायर कुपुत्र और आदि कौड़ी के मूल्य वाले को श्री रामचंद्र जी के नाम ने लाखों रुपए का सुंदर रत्न बना दिया। 69वें छंद में तुलसी कहते हैं कि सब अंगहीन सब साधन विहीन मन वचन मलिन हीन कुल कर तुति हो बुद्धि बलहीन भाव भगति विहीन हीन गुण ज्ञान हीन हीन भगहु विभूति हो। तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम जाही जपि जीह राम हूँ को बैठ धूति हो। प्रीति राम नाम सो प्रतीति राम नाम की प्रसाद राम नाम के पसारी पान सूती हो। मित्रों भागहु अर्थात भाग्य से भी जीह अर्थात जीभ धूति अर्थात छल प्रसाद कृपा और सूती हो अर्थात सोऊंगा। तुलसी कहते हैं कि मैं योग के आठों अंगों से और मुक्ति के सब साधनों से रहित हूँ, मन और वचन से भी मलिन हूँ और कुल के कर्मों से भी रहित हूँ। मैं बुद्धि और बल से रहित हूँ, भक्ति भाव से हीन हूँ, गुण ज्ञान भाग्य और वैभव से भी हीन हूँ। राम का नाम गरीबों की बिगड़ी हुई को बनाने वाला है, जिसको जीभ से जपकर मैंने राम जी को भी छल लिया। मुझे राम नाम से ही प्रेम है, राम नाम का ही विश्वास है और राम नाम की ही कृपा से मैं पैर पसार कर अर्थात निश्चिंत होकर सोऊंगा। 70वें छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जान जब ते हो जीव वे जन्मो जग तब ते बेसायो दाम लोभ कोह काम को मन तिन ही की सेवा तिन ही स्वभावनी को वचन बनाई कहो हो गुलाम राम को नाथ हूं न अपनायो लोक झूठी वे परी पे प्रभु होते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। अपनी भलाई भलो कीजे तो भलाई न तो तुलसी को खुले गो खजानो खोटे दाम को। मित्रों बेसाहियो अर्थात मोल लिया हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी समझ से जब से मैं जीव बनकर संसार में उत्पन्न हुआ तभी से लोभ क्रोध और काम ने मुझे दाम देकर मोल ले लिया है। मैं मन से उन्हीं की सेवा करता हूँ, उन्हीं से मेरा पूर्ण प्रेम भी है। मैं बातें मनाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का सेवक हूँ, राम जी ने भी मुझे नहीं अपनाया और संसार में भी झूठी ख्याति हो गई, किंतु स्वामी से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। इसलिए हे स्वामी आप अपनी भलाई के लिए मेरा भला कीजिए, इसी में भलाई है, नहीं तो तुलसीदास के खोटे दाम का खजाना खुल जाएगा अर्थात पोल खुल जाएगी। तो मित्रों यह था तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तर कांड का तीसरा भाग, जिसमें हमने 46वें छंद से 70वें छंद तक की चर्चा की, उनकी व्याख्या की। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने तक पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।